जिसु पवित्र आत्मा से भर के जर्दन नदी से घुरलक। पवित्र आत्मा उखे सुनसान ठाव में ले गलक, जहाँ 40 दिन तक शैतान उकार परीक्षा लेते रहे। जिसु उ दिन मन में कोनो नाय खालक, जे समय 40 दिन पूरा होलक तो उखे बहुत भूख लगलक। शैतान उकार से कहलक, अगर तो ईश्वर के बेटा है किस तो ई पखना से कह दे कि ई रोटी बन जाओक। किंतु जिसु जवाब दिलक, पवित्र वचन में लिखा लहे कि आदिमान रोटी से एकला नाय जीवाए। तार पछे शैतान उखे ऊंचा ठाव में ले गलक, और क्षण भर में समूच जगत के सब राज के देखलक। शैतान उकार से कहलक, मैं तुखे ई सब राज के अधिकार और धन सम्पत्ति दे देबो, ई सब मुखे देवाल जाहे, और मैं जेखे चाहना उखे देवेक पारोना। अगर तय मुखे गौर लागबे तो ई सब तुखे मिल जाए। किंतु जिसु उखे जवाब दिलक, पवित्र वचन में ई लिखा ला है कि तय अपन प्रभु ईश्वर के गौर लागबे और उकार हे सेवा करबे। तार पछे शैतान जिसु के जेरूसलम शहर में ले गलक, और मंदिर के कालसी टुप्पा ऊपरे उखे खड़ा करके कहलक, अगर तय ईश्वर के बेटा है किस तो तय अपन के यहाँ से नीचे गिराए दे। काले की पवित्र वचन में लिखा ला है कि ईश्वर अपन दूत मन के तोर बारे में हुकुम देवी कि उ तोखे रक्षा करी, उमन तोखे हाथ से हथला ले भाई कि गौड़ के पखना से ठेस नाय लागोक। जिसु उखे जवाब दिलक, ई कहल जाहे तो अपन प्रभु परमेश्वर परिसर नाय ले। एह नियर सब किस्म के परिसर लेवे के पाछे शैतान जिसु ठीन से चल गेलक कि मुका पाई के आरो घुराओक। पवित्र आत्मा के शक्ति से भाईर के जिसु गालिल राज में घुरलक, और उकर चर्चा सामने के राज में फैल गेलक। उ उमान के आराधना घर मन में शिक्षा देवेक लगलक, और सब आदिमन उकर बड़ाई करात रहें। जे समय जिसु नासरत शहर में घुरलक, जेठिन उखे पोइस बढ़वाए रहें, तो उ जिरेक दिन अपन रीति के अनुसार आराधना घर में गेलक। उ पवित्र वचन से पाठ पढ़क ले उठलक, तो उखे आगमन वक्ता जिसु के किताब देवाल गेलक। किताब खोल के जिसु उ जगह के निकललक, जेठिन ई लिखल रहे कि प्रभु के आत्मा मोर ऊपर आहे, इकर ले कि उ गरीब के सुसमाचार सुनाय के लगिन मोर अभिषेक करल आहे। उ मुखे इकर ले भेजे कि कैदी मन के कहबो आजाद हो, और अंधरा के कहबो देख, और सताल मन के आजाद करबो, और ई बात के प्रचार करबो कि प्रभु के उ पर्या आय गेलक, जेकर में उ अपन दया के प्रगट करी। तार पछे जिसु किताब ढाप के आराधना घर के सेवक के हाथ में दे दलक, और बैठ गेलक। आराधना घर के सब आदिमन के आँख उकार ऊपर लगल रहे। तार पछे उ मन से कहक लगलक, पवित्र वचन के ई बात आज तोहरे के माछे पूरा होलक। सब आदिमन उकार बढ़ाए करलाए, उकार मुख से निकलल अनुग्रह के बात सुन के आश्रित में पार गेलाए, आर पूछे लगलाए का ई जोसेफ के बेटा नाय लगे। जिसु उमान से कहलक, तोरे मुखे ई कहत जरूरी कहबा, हे बेस अपन के भाल कर, तोरे मोर से ई कहबा, कफर नाहम शहर में जे कोनो काम तोय कायर रहिस हमरे उकार बारे सुनी, एखान उ काम यहाँ अपन शहर में कर। अरे जिसु कहलक, मैं तोहरे से सच्चे कहत हो, आगम वक्ता के मान मर्जत अपन शहर में नाय होयला। सच्चे के बात तो ई है के कि आगम वक्ता एलिया के समय में 3.5 बछर तक पानी नाय बरसलक, और समूचा राज में भारी अकाल हुई रहे, तो ओहे समय इसराइल राज में बहुत बड़ी मन रहें। किंतु इलिया के उकार में से केकरोठिन नाय भेजल गेलक, वो इसराइल से बाहरे सिदुम राज के सारिफोत शहर में रह कोला एक झन बाड़ी छिन भेजल गेलक। आरो आगमन वक्ता इलिशा के दिन मन में इसराइल के राज में बहुत कुड़ी बीमारी मन रहें, किंतु उकार में से केखो कुड़ी बीमार से भाल नाय करल गेलक। एकला सीरिया देश के बासिंदा
नामान के भाल करल गेलक। ई सुन के आराधना घर के सब आदमी मन बहुत रगा गेलें। उमान उठ के खड़ा होलें और जीशु के शहर से बाहर निकललें और जे पहाड़ ऊपर उमान के शहर बसल रहे उमान जीशु के उकर सुड़ा में ले गलक कि उखे नीचे ढेकलाए देवाएं। किंतु जीशु उमान के माझे से निकल के चल गलक।